गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो कैसे हैं आप सब सो so, आज की वीडियो होने वाला है ह्यूज मिंत्रा हॉल जिसमें इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर दोनों हैं स्पेशली वेस्टर्न वेयर में मैंने बॉटम्स पिक किए हैं जीन्स एंड ट्राउजर्स जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सो so, अभी सेल के टाइम पे क्योंकि मिंत्रा पे कर्टन रेजर सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसमें सेल जो अभी आने वाली है उससे जस्ट पहले सेल वाले प्राइसेस में आपको सारी चीजें मिल रही है तो अभी स्टॉक में मिल जाएगी आप इन पीसेस को चेकआउट कर लेना क्योंकि मिंत्रा पे सेल के टाइम पे बहुत जल्दी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं सब चीजों के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना बिना देरी के चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम इंडियन वेयर देख लेते हैं कुर्ता सेट्स जो मैंने पिक किए हैं ये जो मैंने पहना हुआ ना कुर्ता सेट ये टू पीस कुर्ता सेट है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया स्पेशली इसके अंदर जो लेस की डिटेलिंग की हुई है और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी एंड स्टिचिंग पैटर्न भी अच्छा है सो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट फिट में प्योर कॉटन फैब्रिक कांथा वर्क वाला मिलता है लाइक इसके अंदर थ्रेड का स्टिचिंग पैटर्न भी है बिल्कुल लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है एंड प्रिंटेड पैटर्न के अंदर काफी क्यूट लग रहा है एंड इसके अंदर जो रेड कलर की लेस लगा हुई ना ये काफी अच्छा लुक इसको दे रही है आप देख सकते हैं नेक पे है फ्रंट पैनल पे है साइड स्लेट पे और नीचे हेम्स पे भी है स्लीव पे भी इस तरह से थ्री लेयर्स दी हुई है सुपर कंफर्टेबल है मीडियम साइज़ में लूज़ फिट के अंदर रिलैक्स फिट के अंदर मुझे यहाँ आ रहा है जैसे मैं प्रेफर करती हूँ इसके अंदर एक डी फंक्शनल पॉकेट भी है इसके साथ जो पैंट्स आती है वो स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आई कहाँ रखती है मैंने काफ़ी अच्छे फैब्रिक के अंदर है हैवी ड्यूटी फैब्रिक है बिल्कुल ऐसा पतला सा फैब्रिक नहीं है सो so, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और स्टिचिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं वेस्ट कितनी बढ़िया से नीटली स्टिच की हुई है एंड ये सलवार स्टाइल के अंदर सिला हुआ है सो रेड कलर का है ये बॉटम बहुत ज़्यादा काम आएगा अफ़गानी पैंट्स आप वैसे खरीदोगे उसकी जगह इस तरह के कुर्ते सेट्स के साथ जो आती है उसे आप आसानी से अदर पीसेस के साथ भी मिक्स मैच कर सकते हैं सो so, इसका जो फैब्रिक और जो क्वालिटी है ना वो एक्स्ट्रा मुझे लगी कलर भी अच्छा लगा सो हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप गुड क्वालिटी पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सेट को आप ले सकते हैं अगर आपके पास एक रेड कलर का शिफॉन का दुपट्टा है जॉर्जेट का दुपट्टा है तो आप उसे भी स्टाइल कर सकते हैं अगर आपको थ्री पीस यानी कि दुपट्टा पहनना जरूरी है अदरवाइज़ आप इसे टू पीस में पहन लो एवरी डे में लाइक like, बाहर कहीं जाना है थोड़ा अच्छा सा पीस पहन के जाना है तो आप इस तरह के कैरी कर सकते हैं साथ में स्पेशल ओकेजन पे आप अच्छी सी ज्वेलरी के साथ इसे हैवी लुक भी दे सकते हैं सो so, ये वाला मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा सो so, मैं इसे पहन के ही बैठी हूँ नाउ जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है उसका स्टिचिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है ये अफगानी स्टाइल कुर्ता सेट है जिसके अंदर कॉलर वाला कुर्ता है और इसके अंदर भी कलर कॉम्बिनेशन फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है काफी अच्छी क्वालिटी का राय इन्होंने उन्होंने यूज किया हुआ है इसके अंदर फ्लोरल प्रिंट है और हल्का फॉयल प्रिंट भी है जो कि फ्लावर्स को आउटलाइन करने के लिए किया हुआ है एंड साथ में नेक पे आप देख सकते हैं ये जो चमक दिख रही है ये रियल मिरर की है ये फॉयल मिरर या फॉयल पेपर नहीं है सो थ्रेड वर्क में अच्छे से इसे बुना हुआ है एंड ये अफ़गानी स्टाइल में सिला हुआ है इसलिए इसके नीचे जाके राउंडेड हैम्प्स हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है जैसे मैंने बताया क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फैब्रिक की बिल्कुल ऐसे पतला सा नहीं है सी थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं है बट काफ़ी अच्छा वेट है इसके अंदर सो बढ़िया क्वालिटी मुझे लग रही है लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है लाइट कलर होते हुए भी एंड मीडियम साइज में परफेक्ट रिलैक्स फिट मिल रहा है एंड ये भी आपको सलवार स्टाइल के अंदर स्टिच मिलता है सेमी इलेस्टिकेटेड कंफर्टेबल सी ये सलवार है नीचे देख सकते हैं आप इसके पाइचे बनाए हुए हैं सो हाइट मेरी है 5.4 फीट और उसके ऊपर आप देख सकते हैं परफेक्ट आ रहा है फिटिंग भी परफेक्ट है लेंथ वगैरह भी सही लगी मुझे सो so, अगर आपको इस तरह के अफग़ानी स्टाइल के पीसेस पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सो so, मैंने इस तरह के दो पीसेस पिक कर लिए सो so, ये आप चेकआउट कर सकते हैं नाउ जो नेक्स्ट थ्री पीस कु सेट मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये क्यूटेस्ट है इतना ज्यादा प्यारा है बहुत ही खिला खिला लगेगा फ्लोरल प्रिंट मैंने आपको बहुत दिखाया बट इतना प्यारा कलर का मतलब मुझे नहीं दिखा कभी सो so, इसके अंदर ये फ्लावर्स बने हुए हैं और सटल कलर यूज किए हुए हैं बेस कलर तो ऑब्वियसली लाइट है साथ में जो फ्लावर्स के कलर हैं और जो लीफ का कलर आप देख सकते हैं कितने लाइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं मज़ा आ जाएगा इसे पहन के प्योर कॉटन फैब्रिक में है एंड बहुत ही अच्छी सी ये लेस भी इसके अंदर लगाई हुई है स्लीव पे भी आपको लेस मिल जाएगी एंड ये फ्लेयर के अंदर है सो बहुत ही क्यूट लग रही है कहीं पे भी आप पहनोगे ना सो ऐसे बिल्कुल अच्छा सा मूड हो जाएगा इसे पहनने वाले का भी और देखने वाले का भी मुझे तो इसे पहन के बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मैं ना कहीं डे टाइम पे जा रही हूँ ना इसे पहन के ही जाऊँगी मुझे बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पे नीचे भी इसके पूरे हैंड्स में आगे और पीछे ये पिंक कलर की लेस मिलती है सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है आप चाहें तो इसके नीचे लेयरिंग कर सकते हैं मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं हुई मैं जस्ट न्यूड इनर वेयर जो स्किन कलर का ही ब्रा होती है वो पहन लेती हूँ और ये परफेक्टली जाता है मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल एंड ऑल ओवर सेम ही प्रिंट है टॉप एंड बॉटम पे इसके साथ ये फुली इलेस्टिकेटेड पैंट्स आती हैं लेंथ वगैरह आपको ट्रायों से दिख जाएंगी ऐसे ज़्यादा क्रॉप वगैरह नहीं लगी मुझे फुल लेंथ एंड स्ट्रेट फिट के अंदर है एंड प्रिंट तो मुझे देखते ही ऐसे लग रहा है वाह अभी भी और दिन में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसके साथ सेम ही प्रिंट के अंदर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक का ये दुपट्टा है जो फ्लेयर के अंदर कुर्ता सेट ढूंढ रहे हैं इसको मिस मत करना से आप पर्ल ज्वेलरी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और आपकी जो सिल्वर झुमकियाँ वगैरह आती हैं उसके साथ भी पहन सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है ऐसे बिल्कुल खिला खिला लगेगा इसे पहन के बिल्कुल जैसे कलर है ना फूलों के वैसा ही फील आता है पहनने के बाद चलो जी अभी मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ ये भी बहुत सुंदर है इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल उससे कंट्रास्ट में है बट इसकी ग्रेस अपनी अलग ही है मुझे ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा आप देख सकते हैं इस तरह के मॉडर्न कुर्ता सेट आप कहीं पे भी पहन लो मतलब ये अच्छे ही लगने वाले हैं वर्क प्लेस पे पहन लो मॉल वगैरह जाते पहन लो इस तरह के पीसेस अच्छे लगेंगे कंफर्टेबल भी लगते हैं सो so यहाँ पर ये वी नेक दिया हुआ है प्योर कॉटन फैब्रिक का है और आजकल जो बोल्ड प्रिंट चल रहे हैं उसी तरह का ही है ये सो so काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसकी स्लीव्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये ना ऐसे एल्बो तक भी नहीं आती मतलब उसके आसपास ही आती हैं और साथ में थोड़ी सी पफी हैं सो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और बिल्कुल ऐसे डिफरेंट स्टाइलिश सी लग रही थी मुझे सो so, ये वाला भी कुर्ता सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ और वो भी ना इंडो वेरा ब्रांड से तो क्वालिटी तो अच्छी है ही एंड आपको ना इस तरह के वैसे ना गोश्री की वगैरह में भी दिख जाते हैं जो उनकी कॉपी होते हैं बट वो फिर प्योर कॉटन में नहीं होते अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्योर कॉटन का चाहिए तो आप ये वाले पीसेस जो इंडोवेरा के हैं वो ट्राई कर सकते हैं सो so, यहाँ पर जो ये वाला है ये सेमी एलेस्टिकेटेड कम्फर्टेबल पैंट्स है सेम ही प्रिंट में है सो so, काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी प्यारा सा लुक आ रहा है अगर आप चाहें तो वैसे इसे ब्लैक कलर की बॉटम के साथ भी कभी कभी पहन सकते हैं सो मल्टीपल लुक्स आपके क्रिएट हो जाएंगे और इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिलता है दुपट्टे के अंदर आप देखेंगे ना तो ऐसे दिख ही रहा है मैं क्या ही बताऊँ आपको पर ये कॉटन ही फैब्रिक का है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ना ब्लैक दुपट्टा तो हमारे पास होना ही चाहिए एक प्लेन सो ये उसी तरह का ही है आप अदर पीसेस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई आपको इसके अंदर फुल मिल जाएगी एंड ये वाला एवरीडे डे का भी है और अगर आपको थोड़ा तैयार होकर अच्छा सा बन के जाना तो भी आप इसे इस स्टाइल कर सकते हैं बट इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है ना मैंने एक कुर्ती भी पिक की है एंड ये मुझे येलो कलर में बहुत सुंदर लगी वरांगा ब्रांड से है इसके अंदर नेक पे हल्का सा काम किया हुआ बेसिक ही कुर्ती है कोई हाईफाई नहीं है बट मुझे लगा कि अच्छी है आप किसी भी त्यौहार पे व्रत पे इसे कैरी कर सकते हैं अगर आपको बजट के अंदर लुक क्रिएट करना है तो इस तरह के पीस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सो so यहाँ नेक पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये रेशम का थ्रेड यूज़ किया हुआ है इन साथ में सीक्वेंट का, का काम किया हुआ है इसके फैब्रिक में सेल्फ के अंदर कुछ ये काम किया हुआ है ब्रीदेबल फ़ैब्रिक है बट ये कॉटन नहीं है थोड़ा सा पार्टी वेयर काइंड ऑफ पीस है मतलब हल्की शाइन है इसके अंदर सो आप इसे पूजा वगैरह में या किसी भी त्यौहार वगैरह पे कैरी कर सकते हैं हल्के फुल्के में लाइक like, अगर आपको नवरात्रि वगैरह में किसी दिन पहनना है तो आप इसे कैरी कर सकते हैं पूजा वूजा करते वक्त सो so, इस तरह का बेसिक सा है इसके साथ आप ऑफ वाइट पैंट पहन लो ये मैंने वरांगा से लिया और जो इसके साथ पैंट से वो आई थिंक मैंने तीन चार साल पहले ली थी वो भी वरांगा ब्रांड से यह अगर अभी स्टॉक में हुई तो उसका लिंक भी दे दूंगी उसके अंदर भी हल्की शाइन है जो आपका कॉटन सिल्क होता है ना उस तरह के फैब्रिक में है और ये क्रॉप नहीं है फुल लेंथ है मेरी हाइट पे तो नाउ नेक्स्ट मैंने अनूक से लिया है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसका जो नेक का पैटर्न है ना स्पेशली मुझे काफी पसंद आया एंड इनका जो फैब्रिक है ना वो मलमल -मल जो होता है ना फाइन कॉटन उसके अंदर है एंड इसके नेक पे ये ऐसे वी पैटर्न बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी की हुई है जिसके अंदर थ्रेड वर्क है रेशम का थ्रेड यूज़ किया और साथ में हल्का हल्का छोटा छोटा सीक्वेंस है एंड स्लीव्स पे भी इसी तरह का ही ये बॉर्डर बनाया उसके अलावा ऑल ओवर इसके अंदर ये फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है एंड फ्रंट पैनल में भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी बहुत ही लाइट वेट पीस है एंड काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा डे टू तो डे लाइफ के लिए भी बढ़िया है और जैसे मैं बता रही हूँ आप उनमें से है जो हर पूजा वगैरह पे या ऐसे फेस्टिवल्स में बहुत हैवी पीसेस में डालते नॉर्मली जो लोग कुर्ता सेट नहीं पहनते उनके लिए काफ़ी हैवी होता है सो so अगर आप त्योहारों पे इस तरह के पीसेस पहनना कंफर्टेबल फील करते हैं तो कर सकते हैं लेकिन जो लोग नॉर्मली इस तरह के कैरी करते हैं तो उनके लिए फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी हैवी पीसेस चाहिए जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ इसके अंदर भी सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक की बॉटम है फुल्ली इलास्टिकेटेड है, है एक पॉकेट के साथ आ रही है एंड इसके अंदर भी कलर और प्रिंट काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक का ही दुपट्टा है सो so, ये वाला पीस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा प्योर कॉटन में स्पेशली कलर और वर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है सो so, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं अभी सेल के टाइम पे। नाउ फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसे रेड कलर का बहुत ही सुंदर सा ये कुर्ता सेट पिक किया है ये हाउस ऑफ पटौदी से है एंड ये रेन फैब्रिक के अंदर है इसका जो लुक है वो काफ़ी ऐसे स्टाइलिश सा है एंड वैसे देखें ना तो काफ़ी सटल भी है इसके अंदर ये नेक पे पोर्टली बटन वगैरह मिल जाते हैं ए लाइन में एसीमेट्रिक हैम्स हैं इसके एंड नीचे आपको ये फॉल प्रिंट मिलता है सेम प्रिंट स्लीव्स पे है सी थ्रू नहीं है लेंथ वगैरह अच्छी है एंड हैवी है ये फैब्रिक ना एक तो इसका जो बॉर्डर है उसके कारण इसका फॉल ज़्यादा आ रहा है हैवी फील दे रहा है ये बट ऐसे मतलब टी थ्रू वाला पतले वाला इस तरह का फैब्रिक नहीं है क्वालिटी मुझे इसकी सही लगी एंड मैंने इसे मीडियम साइज के अंदर लिया है जो कि मेरा रेगुलर साइज है कुर्ती इसके अंदर प्लेन थी इसका बॉटम आपको ये बांधनी में मिलता है प्रिंटेड एंड इसके ऊपर ये फॉइल प्रिंट भी किया हुआ है और ब्लू कलर का भी प्रिंट है काफ़ी सुंदर सा इसका पैटर्न लगा एंड बेसिकली उल्टा होता है ना कि बॉटम प्लेन होती है कुर्ते पे प्रिंट होता है बट यहाँ पर ये बॉटम पे बहुत सुंदर लग रहा है एलिमेंट फुल्ली इलेस्टिकेटेड है एंड ये विर्थ परफेक्ट है इसकी बहुत नैरो नहीं है एंड इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिल जाता है विर्थ आपको दिख रही है इतनी है एंड लंबाई भी आपको ट्रायन में मिल जाएगी ये जो स्टॉल टाइप के दुपट्टे होते हैं ना उस तरीके से है सो so, काफ़ी अच्छा लगा बेसिक सा है लाइट वेट है एंड अफोर्डेबल रेंज में अभी सेल के टाइम पे आपको सही डील में मिल जाएगा सो so, आप इसे चैकआउट कर सकते हैं नाउ मैंने लिबास का एक ही फ्लेयर वाला कुर्ता सेट लिया है क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है ना फेस्टिव सीज़न के अंदर तो फ्लेयर डाल सकते हैं मतलब डे टू डे लाइफ में मैं तो नहीं इतना पहनती फ्लेयर वाले बट अगर कोई भी फेस्टिवल है तो ये बहुत क्यूट लगते हैं बहुत ही ऐसे गर्ली सा एलिमेंट ऐड कर देते हैं स्पेशली ये ना टू पीस के अंदर है तो जो भी गर्ल्स लाइक बहुत हैवी पीसेस नहीं पहनना चाहती एम्ब्रॉयड्रड नहीं पहनना चाहती ठीक है वर्क वाले नहीं पहनना चाहती तो इस तरह के आप पीस ट्राई कर सकते हैं ये अंगरखा जो पैटर्न होता है ना उस तरह का है टाई अप का डिटेलिंग है यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं है फॉल प्रिंट किया हुआ है इसका कलर भी पीच कलर बहुत ही फ्रेश एंड ब्राइट लग रहा है इसके साथ आप झुमकियाँ पहन लो ज्वेलरी के साथ अच्छे से एक्सरसाइज कर लो और ये बहुत सुंदर लगेगा लाइट वेट सा काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसके अंदर और गोटे का भी काम किया हुआ है इसका जो फैब्रिक है ना उसके अंदर शाइन है एंड मतलब मैंने इसके नीचे न्यू डिनर वेयर पहना और ये सही लग रहा था बट हो सकता है आपको लगे कि इसके नीचे लाइनिंग पहन नीचे तो आप लाइनिंग भी पहन सकते हैं सेम स्किन कलर की पहन लो तो ये परफेक्ट लगने वाला है एंड इसके साथ ये पैंट्स मिलती हैं सेम ही कलर में है बट ये प्लेन है इसके ऊपर प्रिंट नहीं है सेमी इलेस्टिकेटेड पॉकेट्स के साथ ये कम्फर्टेबल लूज फिट में पैंट आती हैं सो so, ये थे सारे कुर्ता सेट्स जो मैंने पिक किए हैं मिंत्रा से सेल के टाइम पे आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं अब जो लोग ट्राउज़र्स की बात कर रहे थे या फिर जीन्स वगैरह की तो मैंने चार पीसेस लिया दो ट्राउज़र हैं और दो जीन्स हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक जीन्स तो मुझे पसंद नहीं आई बहुत ही छोटी है मुझे सो मैं आपको एक बार जल्दी से वो दिखा देती हूँ उसे तो आप रहने ही देना एक तो ये वाइड लेग है वाइड लेग तो लंबी होनी चाहिए मतलब वाइड लेग और क्रॉप्ड कितनी बेकार लगती है सो ये वाली मैंने ली सारी मैंने एच एन एम से ही है बट ये वाली स्पेशली ना मॉडल पे सही लग रही थी बट मेरे मेरी हाइट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है 5.4 फीट ही है सब चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी अगर इसकी लेंथ मुझे फुल आती ना तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीस हो जाता बट आप इसे स्किप कर देना लिंक जो मैं दूंगी उसको देख लेना उसको गलती से भी मत बाय कर लेना ये जो जीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये आप ट्राई कर सकते हो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसका फिट भी काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी स्मार्ट लग रही थी एंड हाई वेस्ट आ रही है तो परफेक्ट लग रही थी फैब्रिक भी अच्छा लगा बॉडी को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर ले रहा था बट ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था बहुत कंप्रेशन नहीं है परफेक्ट लगा मुझे स्ट्रेचेबल भी है एंड इसका नाम है स्ट्रेट हाई वेस्ट एंकल लेंथ जीन्स ठीक है ये मैंने लिए है थर्टी एट साइज़ में मेरा वेस्ट साइज़ है ट्वेंटी एट उसके लिए आता है थर्टी एट ठीक है सो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना वैसे आपको मिंत्रा पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ट्वेंटी एट ही दिखेगा यहाँ पे थर्टी सिक्स लिखा हुआ है क्योंकि एच एन एम ब्रांड पे साइजिंग का जो नंबर है वो अलग होता है तो आप अपना जो रेगुलर साइज़ है मिंत्रा पे वही सिलेक्ट करना और ये बिल्कुल सही आने वाली है फैब्रिक वगैरह सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है मतलब काफ़ी अच्छा शेप आएगा इसे पहनने के बाद और उठने बैठने में कंफर्टेबल है क्योंकि स्ट्रेचेबल है ना सो so आप इसे चेकआउट कर सकते हो जीन्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी नाउ नेक्स्ट ये मैंने लिनन पेंट्स पिक की हैं ये लिनन मिक्स में है क्योंकि प्योर लिनन तो काफ़ी महंगा होता है इसके अंदर मिक्स फैब्रिक है सो सिंथेटिक फैब्रिक नहीं है कॉटन एंड लिनन जो मिक्स होता है ना उसके अंदर है सो so काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था मतलब ऐसे फॉर्मल लुक के लिए नहीं है कैजुअल पहनने के लिए वेकेशन पे पहनने के लिए ये पीस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है इवन एयरपोर्ट लुक के लिए बहुत अच्छा है ये एंड ये मिड वेस्ट है और आप देख सकते हैं इसके अंदर पॉकेट्स वगैरह भी दी हुई है यहाँ पे ये फ्रंट में वैसे तो पूरा इलास्टिकेटेड है यहाँ पर ये ड्रॉस्टिंग भी दी हुई है सो so, अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हैं वाइड लेगे लेंथ बहुत सही लगी मुझे इनकी सो so, पहनने के बाद इसे मजा आ गया बट ये जरूर देख लेना कि ये हाई वेस्ट नहीं अगर आपको हाई वेस्ट चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हो अगर मिड वेस्ट आपको सही लगती है तो आप इसे आउट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉटन लिनन ब्लैंड का ये ऑप्शन मुझे मिला है चन पे नाउ ये वाली ट्राउजर भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी ऐसे थोड़ा सा ना इसके अंदर कोरियन वाइब्स हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर ऊपर वेस्ट पे वाइट कलर दिया हुआ है और नीचे आपको ये ग्रे कलर में स्ट्राइप्स के अंदर मिलती है इसकी फिटिंग भी मुझे परफेक्ट आई सब के अंदर मैंने 38 साइज ही लिया है प्राइस भी बहुत सही है कंसीडरिंग ट्राउजर लाइक इसका एम आर ही 1499 है अगर आपको सेल में कुछ टेन भी ऑफ मिल जाता है तो बढ़िया है क्योंकि एच एन इतना ऑफ होता नहीं है बट अभी सेल में वे भी आपको कुछ मिल जाए सो so, यहाँ पर आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं वाइड लेग है अगर आपको कोरियन स्टाइल ट्राउजर्स पसंद है सो so ये ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं तो मैंने चार दिखाई हैं चार में से मुझे तीन अच्छी लगी हैं एक बिल्कुल भी नहीं पसंद आई सो so, इन तीनों में से आपको ना डिफरेंट स्टाइल ही मिले एक जीन्स मिली एक ट्राउजर मिली है एंड एक वो थोड़ी सी ना ऐसे रिलैक्स लुक के लिए जो ऑप्शन मैंने दिखाई लिनन वाला वो भी आप देख लेना सो so, ये थी पूरी वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही क्योंकि सेल के टाइम पर इस तरह की वीडियो तो बनती है जिसके अंदर जो भी आपको चाहिए आपको सही रेट पे मिल जाएगा सही डील्स में मिल जाएगा लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में so, चलो मैं जाती हूं और आपसे मिलती हूं बहुत जल्दी नई वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय